हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज हम पढ़ेंगे स्लो एंड फास्ट चेंजेस। एज द नेम सजेस्ट, स्लो चेंज। स्लो से आपको समझ में आ रहा होगा अ चेंज दैट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम और टेक्स लॉन्ग टाइम टू अकर इज नोन एज स्लो चेंज। मीन्स वो चेंज जिसमें चेंज होने में काफ़ी टाइम लगता है। सम एग्जांपल्स ऑफ स्लो चेंजेस आर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मींस फ्रूट्स का पकना जिसमें काफ़ी समय लगता है। देन ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम सीड्स, यानी कि बीजों से एक पौधा बनने में उसकी ग्रोथ होने में काफ़ी समय लगता है। ग्रोथ ऑफ अ मैन फ्रॉम अ बेबी, एक बेबी से मैन बनने में रस्टिंग ऑफ अ आयरन, एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज फास्ट चेंजेस। फास्ट चेंजेस होते हैं जो कि बहुत फास्ट होते हैं, लाइक अ चेंज दैट टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली ओवर और ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड फास्ट चेंज। इसमें काफ़ी बहुत जल्दी जो हो जाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फास्ट चेंजेस आर मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे कि आइस का मेल्ट होना ये फास्ट चेंज का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। देन वी हैव गिवन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो फर्स्ट इज फिजिकल चेंजेस। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मीन्स फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। केमिकल चेंजेस, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सेकेंड, यूजुअली इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज एंड इट इज़ अ परमानेंट चेंज। ओके, नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस, चेंजेस अक्यूर्स इन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। इट इज़ मोस्ट रिवर्सिबल, इट इज़ इरिवर्सिबल। हीट और मे नॉट बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड, हीट और लाइट इज रिलीज और एब्जॉर्ब्ड। Then we have another topic, how changes occur. Let us discuss several ways in which changes can be caused. These are changes कैसे होते हैं, by applying force, means हम force apply करके उसको change कर सकते हैं, by mixing, उसको mix करके change किया जा सकता है, by heating and by mixing and heating. So one by one we will read it. Changes caused by applying force, means हम force apply करके कैसे change कर सकते हैं. So students, what is force? Force is defined as a push or pull acting on a body which lends to change its state or rest or motion. Means किसी भी चीज़ को जब हम उस पर फोर्स करते हैं, जब हम उस पर अपना बल देते हैं, उसको पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो उसका जो स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंजेस बाई यूजिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, द शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब के चेंजेस ऑन स्क्वीजिंग, मीन्स जैसे टूथपेस्ट होता है जब हम उसको प्रेस करते हैं स्क्वीज, तो वो उसका जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है स्क्वीज़ करने पर। तो हम फोर्स के मीडियम से भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड इज चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग, मींस जब हम दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो वहाँ भी चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, लाइक शुगर व्हेन मिक्स्ड विद वाटर डिसअपीयर्स एंड वाटर स्वीट टेस्ट इज स्वीट। जब हम वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं तो उसमें शुगर डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, और वाटर हमारा स्वीट हो जाता है, यानी कि मीठा हो जाता है। दिस चेंज इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन, और उस चेंज को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ हमने मिक्सिंग के माध्यम से चेंज किया। द वाटर कंटेनिंग द डिसॉल्व शुगर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, और उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। आफ्टर इट वी हैव चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, मींस हीटिंग से भी हम चेंज कर सकते हैं। व्हेन वी हीट एनी ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, इट गेट्स अफेक्टेड इन वन और द अदर वे। सम ऑफ द वेज इन विच हीट अफेक्टेड एनी ऑब्जेक्ट आर एज फॉलो। वी हैव थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग। यहाँ हमको तीन तरीके से तीन माध्यम दिए हैं जो हम पढ़ेंगे, कैसे किसी भी वस्तु की जो शेप साइज चेंज हो जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज नो चेंज इन शेप एंड साइज ऑन हीटिंग। नो चेंज इन शेप, इट मीन्स हीट करने पर जब ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है। सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट चेंज देयर प्रॉपर्टीज और साइज ऑन हीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, देखिए जब हम एक तवा पर एक चपाती को पकाते हैं तो उसका साइज चेंज नहीं हो जाता, लेकिन हीट से उसका इट गेट्स हॉट बट डजेंट चेंज इट स्टेट। वो हॉट हो जाती है लेकिन उसका उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। चेंज इन साइज ऑन हीटिंग, सम ऑब्जेक्ट चेंज देयर साइज ऑन हीटिंग और कूलिंग। कुछ ऑब्जेक्ट उनका साइज चेंज हो जाता है हीट और कूलिंग करने पर। जनरली ऑब्जेक्ट एक्सपेंड्स वैन दे आर हीट एंड कॉन्ट्रैक्ट वैन दे आर कूल्ड। डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट आर डिफरेंट रेट्स। इन जनरल गैसेज एक्सपेंड मोर देन लिक्विड्स एंड लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स। नेक्स्ट इज थिंग्स बिगेन टू बर्न ऑन हीटिंग। इसमें क्या होता है कि हीट करने पर जो वस्तुएं होती हैं वो
बर्न करना शुरू कर देती हैं, स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ देखिए बर्निंग पेपर, यहाँ हमने जब उसको हीट किया तो उसने जलना शुरू कर दिया। एंड बर्निंग वुड, सम ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग गेट हॉट एंड बिगिन टू बर्न। दीज ऑब्जेक्ट्स बर्न फास्टर देन अदर्स, फॉर एग्जाम्पल पेपर एंड ड्राई गैस बर्न फास्टर देन कोल एंड लॉक ऑफ वुड। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन।